प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो लेसन फेडरलिज्म चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ है जब स्थानीय लोगों को अपना कार्य एवं प्रबंध करने का अधिकार वहाँ के स्थानीय लोगों को दे दिया जाता है, अपनी समस्याओं का हल करने का अधिकार स्थानीय लोग स्थानीय साधनों के द्वारा जब अपनी समस्याओं का हल करने का अधिकार उन लोगों को जब दिया जाता है तो वो स्थानीय शासन कहलाता है। चाहे कस्बा हो, नगर हो, गांव हो, वहाँ के लोगों को वहाँ की स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए उनको ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दी जाती है तो वो स्थानीय शासन कहलाता है। अब आपको पता है कि नगर पंचायत या गांव कस्बा बस्ती के अंदर लोगों को जब ये अधिकार दिया जाता है तो लोग अपनी समस्याओं का हल अपने स्थानीय साधनों के द्वारा पंचायतों के माध्यम से करते हैं। इसी को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। जब स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का हल पंचायतों के माध्यम से करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम होता है। हमारे देश के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है वो तीन स्तर पर होता है, त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है। इसी तरह से अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर म्यूनिसिपलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाएं, नगर निगम होते हैं। स्थानीय लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंदर लोग जो स्थानीय लोग होते हैं वो प्रशासन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्थानीय समस्याओं का हल करते हैं। इस कारण से उनको एक मौका मिलता है कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। जब स्थानीय लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो उससे डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन है। जब स्थानीय लोगों को स्थानीय वहाँ के स्थानीय साधनों के द्वारा उनकी जो मूलभूत समस्याएं होती है तो वो स्वयं किसी की बाट न झोंककर अपने प्रयासों से प्रशासन में पार्टिसिपेट करके अपनी समस्याओं का जब हल करते हैं तो वो स्थानीय शासन कहलाता है। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स दैट द लोकल अफेयर सच एज द मैनेजमेंट ऑफ रोड्स, अरेंजमेंट्स फॉर सैनिटेशन, rural grounds, primary and middle school, etc. should be done by the institution of local self-government such as municipalities, municipal corporations, gram panchayat, etc. अब आप इसमें आप देखेंगे local self-government का मतलब क्या होता है? The local affairs such as the जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि management of roads, roads का निर्माण करना, अरेंजमेंट्स फॉर सैनिटेशन, सफाई की व्यवस्था करना, ब्यूरल ग्राउंड, शमशान जो भूमि होती है उसकी व्यवस्था करना, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, प्राथमिक और जो मिडिल स्कूल्स है उनकी स्थापना करना, उनकी देख रेख करना, शुड बी डन बाय द इंस्टीट्यूशन। ये सारे के सारे कार्य एक संस्था के द्वारा किए जाते हैं ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिस संस्था के द्वारा ये सारे के सारे वर्क किए जाते हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो रोड से संबंधित है, चाहे सफाई से संबंधित है, चाहे श्मशान भूमि से संबंधित है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सारे के सारे जो कार्य है वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, संस्था के द्वारा किए जाते हैं। यही इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाती है, स्थानीय सरकार कहलाती है, जिसमें म्यूनिसिपलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और नगर निगम आते हैं, और ग्राम पंचायत आती है। ये तीनों ही ऐसी संस्थाएं हैं जो गांव के अंदर, नगरों के अंदर, कस्बों के अंदर या बस्तियों के अंदर इन सभी जो बेसिक आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करती है। ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया देयरफॉर मींस, इस कारण से भारत के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय जो स्वशासन है भारत के अंदर, दैट द पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर लोकलिटी, एक विशेष स्थान के स्थानीय जो लोग हैं, शुड बी गिवन सफिशियंट ऑटोनोमी, उनको पर्याप्त स्वायत्ता दी जाती है, एंड शेयर इन द रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रशासन के अंदर वो अपनी हिस्सेदारी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंडिया के अंदर द पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर, एक विशेष स्थान के लोग, शुड बी गिवन सफिशियंट ऑटोनॉमी, वहां के स्थानीय लोगों को पर्याप्त स्वायत्ता दी जाती है इन सारे के सारे जो निर्णय है उनको निर्णय लेने के लिए, कि उनका स्थानीय जो स्थानीय लोग है वो अपनी स्थानीय समस्याओं का किस तरह से हल करेंगे, वो सारे के सारे निर्णय लेने का अधिकार वहां के स्थानीय लोगों को जब दिया जाता है तो वो प्रशासन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन द रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से वो स्वयं अपना प्रशासन चलाते हैं, तो इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। आगे हम इसके बारे में बताएंगे, 73rd जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है पंचायत राज का, और 74th अमेंडमेंट किस तरह से हुआ, किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको जैसे पता है कि लोकल जो गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है, लेकिन 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसको पंचायत, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उसके अंदर से संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको दिया गया। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताएंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। पंचायती राज सिस्टम उस व्यवस्था को कहते हैं जब गांव के लोगों को अपना विकास एवं कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार दे दिया जाता है। गांव के जो लोग हैं वो अपने इन अधिकारों का प्रयोग पंचायतों के द्वारा करते हैं। गांव के लोगों को अपना स्वयं के कार्यों का प्रबंध और अपना विकास करने का अधिकार जब ये पंचायतों के द्वारा करते हैं तो इसी व्यवस्था को पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव का विकास हम भली भांति कर सकते हैं, किसके द्वारा, पंचायती राज के द्वारा, क्योंकि ये गांव का विकास करने का एक नया तरीका है जिसके द्वारा किसी की बाट नहीं जोते हुए, मतलब बाट नहीं जोते मतलब किसी का इंतजार किए बिना गांव के लोग अपने आप अपने गांव का प्रबंध, स्वशासन और अपने विकास का कार्य वो स्वयं अपने आप कर सकते हैं। ये एक नया तरीका है, इसमें बिना किसी की बाट जोहे, बिना किसी का इंतजार किए गांव का प्रशासन और अपना विकास का कार्य वो स्वयं करते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए पंचायती राज सिस्टम एक नया तरीका है, और इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर गांव के लोग जब अपना प्रबंधन का कार्य या विकास का कार्य करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 स्तर पर होता है। सबसे पहले जो गांव के विलेज लेवल के ऊपर, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं,
ब्लॉक लेवल पर इसको पंचायत समिति कहते हैं और जिला स्तर पर इसको जिला परिषद कहते हैं। तो जो सबसे नीचे का जो लेवल है, निम्नतम स्तर है, वो ग्राम पंचायत है, और इसका सबसे ऊंचे जो लेवल है उसको जिला परिषद कहते हैं, और जो मध्य का है उसको पंचायत समिति कहते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तीनों स्तर को अपनाया गया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर जो बीच का लेवल है, ब्लॉक समिति जिसको हम कहते हैं, वो स्तर नहीं है, वो उन पर छोड़ा गया है कि वो उस स्तर को अपनाए या न अपनाए। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर उनको अधिकार दिया गया है, चाहे तो वो तीनों स्तरों को अपना सकते हैं या वो दो स्तर से भी अपना काम चला सकते हैं। तो ये पंचायती राज सिस्टम है। इसी पंचायती राज सिस्टम को के बारे में हम बताएंगे कि स्थानीय लोगों के द्वारा अपना विकास करने का अधिकार जब स्थानीय लोगों को दिया जाता है और स्थानीय लोग अपने इन अधिकारों का प्रयोग पंचायतों के द्वारा करते हैं तो ही इसको हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है? द पंचायती राज सिस्टम एज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। ध्यान दीजिए, जो पंचायती राज जो सिस्टम है ये किसकी सिफारिशों पर लागू किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था। हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए थ्री टायर स्ट्रक्चर, तीन स्तरीय ढांचा ऑर्गेनाइज किया गया, संगठित किया गया, बनाया गया। किसकी सिफारिशों पर? बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। उसने सिफारिश की कि पंचायती राज का तीन स्तरीय ढांचा होना चाहिए, त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। उसने जो त्रिस्तरीय ढांचा जो बताया, थ्री टायर स्ट्रक्चर जो बताया, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पर क्या होने चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश दी थी कि पंचायती राज सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो थ्री टीयर होना चाहिए, तीन स्तरीय होना चाहिए। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। इन पंजाब एंड हरियाणा पंचायत राज इज ऑर्गेनाइज ऑन थ्री टीयर बेसिस। हरियाणा और पंजाब, इनके अंदर तीनों स्तरों के ढांचे को अपनाया गया है। इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर डायरेक्ट इलेक्टेड। ये जो स्टेट है, चाहे एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इसमें ग्राम पंचायतों को जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बट देयर आर सम स्टेट्स, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे वेयर पंचायत राज ऑर्गेनाइज टू टीयर बेसिस, जहां पंचायती राज जो सिस्टम है दो स्तरीय है। स्टेट्स विद लेस देन 20 लाख, वे स्टेट जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, हैव बीन गिवन द ऑप्शन, उनको विकल्प दिया गया है टू सेट अप और नॉट सेट अप पंचायत समिति। वो पंचायत समिति को लागू कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये उनके पास विकल्प है। जिन स्टेट की पॉपुलेशन जनसंख्या 20 लाख से कम है, वो स्टेट को ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है, चाहे तो पंचायत समिति को लागू कर सकते हैं और चाहे न करें, ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। तो इस तरह से बलवंत राय मेहता जो कमेटी है उसने पंचायत राज सिस्टम का ढांचा तीन स्तरीय बताया, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। तो इसी को हम इन्हीं, चाहे वो विलेज हो, चाहे टाउन हो, चाहे वो नगर हो, तो ये पंचायती राज सिस्टम का ढांचा उन्होंने बताया और वहां के स्थानीय लोगों को इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से अपना विकास कार्य करने का अवसर दिया गया। इसी को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। आगे हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज केवल आपको ये ध्यान रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है और पंचायती राज सिस्टम क्या होता है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में करना है
और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें कि मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड व्हाट डू मीन बाय पंचायती राज सिस्टम। थैंक यू।